कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। मान लो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, और हमें इसको सॉल्व करना है, मीन्स एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन देन एक्स इक्वल टू प्लस और माइनस इन स्क्वायर रूट माइनस वन। बट ये जो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन है ये रियल नंबर तो नहीं है, दिस वन इज नॉट रियल नंबर। नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो रियल नंबर में नहीं आएगा। तो फिर हमने क्या किया, एक इमेजिनरी नंबर, एक नंबर को इमेजिन किया, और वो जो नंबर है इमेजिनरी नंबर उसको हमने सिंबल दिया आयोटा, जो कि एक ग्रीक लेटर है, और ये एक इमेजिनरी नंबर है। ओके, इट इज नॉट रियल नंबर। आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन, दिस वन इज इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। अब अगर आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन है तो यहां से हम लिख सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर होगा माइनस वन, मीन्स एक ऐसा नंबर है हमारे पास जिसका स्क्वायर माइनस वन है। तो आयोटा स्क्वायर अगर माइनस वन है, हमने अगेन आयोटा से मल्टीप्लाई किया, अगर अगेन आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा आयोटा क्यूब, और राइट साइड में हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ आयोटा, बराबर। ये जो ऊपर है उसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर लिया हमने। ओके, हम आयोटा के जो इंटीग्रल पावर ट्राई कर रहे हैं कि भाई आयोटा तो है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन, आयोटा का स्क्वायर माइनस वन होता है, आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा होता है, तो हम आयोटा की इंटीग्रल पावर देखना चाहते हैं। अब आते हैं आयोटा रेस टू फोर पर, मीन्स हमने अगेन आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट साइड में हो गया आयोटा का फोर पावर, और राइट साइड में हो जाएगा माइनस आयोटा इंटू आयोटा, दैट इज आयोटा स्क्वायर। बट माइनस, ये जो आयोटा स्क्वायर है इसका वैल्यू तो माइनस वन होता है, तो दिस वन इज माइनस ऑफ माइनस वन, एंड माइनस ऑफ माइनस वन इज प्लस वन। तो आयोटा रेस टू फोर पावर इसका वैल्यू वन मिला है। वापस हमने आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा रेस टू फाइव पावर, लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई किया तो ये आयोटा रेस टू फाइव पावर हो गया, और इधर मल्टीप्लाई करने पर वन इंटू आयोटा, ये आयोटा हो चुका है। अब वापस आयोटा से मल्टीप्लाई किया हमने तो आयोटा रेस टू फाइव, इसको एक आयोटा से मल्टीप्लाई करने पर आयोटा रेस टू सिक्स, राइट साइड में हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, एंड आयोटा स्क्वायर हमने देखा था माइनस वन होता है। वापस आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो आयोटा रेस टू सेवन, अगर आप आयोटा रेस टू सिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा रेस टू सेवन हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस वन को मल्टीप्लाई किया आयोटा से तो ये माइनस आयोटा हो गया। अगेन आयोटा से मल्टीप्लाई किया हमने तो आयोटा रेस टू एट, और यहाँ पर मिल गया माइनस आयोटा स्क्वायर, और हम देख चुके हैं कि माइनस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, वन। तो ये कुछ सिक्वेंस सा चल रहा है, जैसे कि हमने पहले आयोटा, इसके बाद आयोटा रेस टू फाइव फाइंड किया, आयोटा रेस टू फाइव पावर फाइंड किया, वो भी वैल्यू हमें आयोटा मिला, फिर आयोटा स्क्वायर एंड आयोटा रेस टू सिक्स पावर, ये दोनों का वैल्यू हमें क्या मिला है, माइनस वन। ओके, दिस वन इज माइनस वन, देन आयोटा क्यूब, देन आयोटा रेस टू सेवन, ये दोनों जो है इनका वैल्यू हमें मिला था माइनस ऑफ आयोटा। ओके, दिस वन इज आयोटा क्यूब एंड दिस वन इज आयोटा रेस टू सेवन पावर, ये दोनों का वैल्यू माइनस आयोटा था। आयोटा रेस टू फोर पावर, आयोटा रेस टू एट पावर, ये दोनों का वैल्यू हमें वन मिला है। तो ये एक कुछ सिक्वेंस चल रहा है, ये माइनस वन है। अब वापस अगर हम आयोटा रेस टू एट है, उसके बाद कौन आएगा, आयोटा रेस टू नाइन पावर, तो आयोटा रेस टू नाइन पावर, ये वापस हमें मिलेगा आयोटा। इसके बाद आयोटा रेस टू टेन पावर, तो ये मिल जाएगा हमें माइनस वन। आयोटा रेस टू इलेवन पावर,
ये मिल जाएगा माइनस आयोटा, आयोटा रेश टू 12 पावर ये मिल जाएगा 1, और ये प्रोसेस चलती रहेगी। मीन्स यहाँ पर जो हम फर्स्ट देख रहे हैं आयोटा के पावर में 1, फिर आयोटा के पावर में 5, आयोटा के पावर में 9, ये सभी आयोटा के ऐसे पावर है जिसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 मिलता है। तो आयोटा के पावर में जो आयोटा का जो पावर है उसमें जो नंबर है वो अगर 4 इंटू के प्लस 1 फॉर्म में है, मीन्स उसको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 मिलता है, तो फिर उसका आंसर क्या मिल जाएगा, आयोटा। बराबर, ये जो सीक्वेंस है उससे हमने ये देखा। यहाँ पर आयोटा का 2 पावर, 6 पावर, 10 पावर, ये सब ऐसे नंबर्स हैं जिसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 मिलता है। तो आयोटा के पावर में अगर 4 के प्लस 2 टाइप का नंबर है, मीन्स ऐसे नंबर जिसको 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आता है, इस टाइप के जो भी अगर हम नंबर रखते हैं आयोटा के पावर में तो इसका वैल्यू माइनस ऑफ 1 होता है। देन आयोटा यहाँ पर 3 है, फिर 7, 11, ये सब ऐसे नंबर है जिसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 होगा। तो आयोटा रेश टू 4k+3 मीन्स आयोटा के पावर में 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 मिलता है, ऐसे नंबर अगर हम रखते हैं तो इसका वैल्यू हमें मिल जाता है माइनस ऑफ आयोटा। एंड आयोटा के पावर में अगर 4 के मल्टीपल है, जैसे कि ये 4 × 1, 4 × 2, 4 × 3, अगर 4 के मल्टीपल है मीन्स 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मिलता है, ऐसे नंबर्स हैं, तो फिर इनका वैल्यू क्या मिलता है, 1 मिलता है। ओके, वेयर के इज इंटीजर, हर एक केस के लिए के बिलोंग्स टू जेड। ओके, एक और चीज, अगर हम आयोटा के पावर में 4 कंजुगेटिव नंबर रखते हैं और फिर उनका सम करते हैं, जैसे कि हमने स्टार्ट किया मान लो आयोटा रेश टू 3 पावर से, तो आयोटा के पावर में हमने 3 लिख दिया, इसके बाद नेक्स्ट कंजुगेटिव आयोटा रेश टू 4, नेक्स्ट आयोटा रेश टू 5, नेक्स्ट हमने लिख दिया आयोटा रेश टू 6। आयोटा के पावर में 4 कंजुगेटिव, एनी 4 कंजुगेटिव नंबर लिखे हैं मैंने, पर्टिकुलरली अभी मैंने 3, 4, 5, 6 लिखा, ये हर एक 4 कंजुगेटिव नंबर के लिए ट्रू होता है। ओके, अब इसका वैल्यू क्या मिलेगा वो देखते हैं। तो आयोटा क्यूब का वैल्यू हमने देखा कि ये माइनस आयोटा है, फिर आयोटा रेश टू 4 पावर का वैल्यू हमें मिला है प्लस 1, देन आयोटा रेश टू 5 पावर इसका वैल्यू हमें क्या मिला था, आयोटा रेश टू 1, दैट इज आयोटा, देन आयोटा रेश टू 6 पावर, आयोटा रेश टू 6 पावर इसका वैल्यू क्या है, माइनस 1। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सभी नंबर्स हैं इनका एडिशन कितना हो जाएगा, 0। ओके, तो दिस वन इज ट्रू फॉर एनी 4 कंसेक्यूटिव। तो यहां से आप कुछ लिख सकते हैं, एनी 4 कंसेक्यूटिव, एनी 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ iota यहां पर लिखना चाहिए सम ऑफ एनी 4 कंजुगेटिव पावर ऑफ iota गिव्स 0, इनका समेशन जो है वो 0 होगा। ओके, इसके बाद ये जो आयोटा रेश टू 4k+1 है, आयोटा रेश टू 4k+2, 4k+3 एंड आयोटा रेश टू 4k=1 जो हमने अभी लिखा, उनका यूज करके देखते हैं थोड़े बहुत क्वेश्चन। तो फॉर दैट सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मान लो कि आपको दिया गया है कि आयोटा रेश टू 135, आयोटा रेश टू 135। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो नंबर है आयोटा के पावर में, इसको 4 से डिवाइड करने पर
रिमाइंडर क्या मिलता है, क्योंकि उसके पर ही हमारा आंसर डिपेंड कर रहा है। तो हमें फोर से डिवाइड करना है। अब एक चीज हम जानते हैं कि अगर कोई भी नंबर है उसके लास्ट टू डिजिट, जो कोई भी नंबर है, नंबर ऑफ डिजिट कुछ भी हो सकता है, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, कोई भी होगा चलेगा। अगर उसके जो लास्ट टू डिजिट है वो लास्ट टू डिजिट 4 से डिविजिबल है तो होल नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि 432, ये मैंने एक नंबर लिख दिया, इसके जो लास्ट टू डिजिट है वो है 32, और ये जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल है, तो आपका जो होल नंबर है वो भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, तो इसी चीज का यूज करेंगे हम। और यहाँ पर हम देखेंगे कि लास्ट टू डिजिट क्या है, 35। अब ये जो 35 है इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिल जाएगा 3। बराबर, 35 जो है इसको अगर आप डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 into 3, सॉरी 4 into 8 32, 4 into 8 32, तो आपको रिमाइंडर मिल चुका है 3। तो ये एक्चुअली क्या है, आयोटा रेश टू 4K+3 टाइप का नंबर है। अब देखो हम पहला है तो थोड़ा थोड़ा लिखते हैं, आयोटा रेश टू 4K into आयोटा रेश टू 3 लिख सकते हैं। अब आयोटा रेश टू 4K, ये तो ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा, तो फिर हमें क्या मिला, आयोटा क्यूब। और आयोटा क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ आयोटा। इट मींस अब हम को आयोटा के पावर में कोई भी अगर नंबर दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट टू डिजिट है इसको डिवाइड करेंगे 4 से, और जो रिमाइंडर मिलेगा वही हमारे लिए आंसर के लिए यूज होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने डिवाइड किया तो देखा कि 4K+3 टाइप का है, तो ये मैंने 4K तो हटा ही दिया क्योंकि आयोटा रेश टू 4K तो 1 होगा। मीन्स हमने यूज किसका किया, ये 3 का। मीन्स अगर हमें कुछ नंबर दिया गया है कि भाई आयोटा के पावर में है 3, 1, 2, 2, बराबर, आयोटा के पावर में 3, 1, 2, 2 लिख दिया। अब इसका वैल्यू पूछा है तो हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट टू डिजिट है इसको 4 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे रिमाइंडर क्या मिलता है। तो 22 को अगर आप डिवाइड करेंगे 4 से तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 हो गया। ओके, एक और लिखते हैं। मान लो कि आपको नंबर दिया है आयोटा रेश टू 1, 2, 3, 5, 7, 6। लास्ट टू डिजिट क्या है, 7, 6। और ये जो 7, 6 नंबर है वो डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। बराबर, तो 4 से डिविजिबल है इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है, और अगर नंबर 4 से डिविजिबल है तो फिर उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि आयोटा रेश टू 4K टाइप का जो नंबर है उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ओके, एक लिख देते हैं आयोटा रेश टू -47। अब आयोटा रेश टू -47 है, इसको आप लिख सकते हैं 1/(Iota)^48। इसको भी डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं, बट हमने सॉरी नॉट 48, इट इज 1/(Iota)^47। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आयोटा, क्योंकि हम डिनोमिनेटर में नहीं चाहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आयोटा कर लिया। ओके, तो न्यूमरेटर में हो गया आयोटा और डिनोमिनेटर में हो गया है आयोटा रेश टू 48। अब देखो आयोटा रेश टू 48 मिला है, और ये जो नंबर है वो डिविजिबल है बाय 4, तो अगर ये नंबर डिविजिबल बाय 4 है तो फिर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो हमारा वैल्यू जो है वो हो गया है आयोटा। ओके, अब आगे चलते हैं। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया कि भाई आयोटा रेश टू एन पावर है, फिर आयोटा रेश टू n+1 पावर है, दिस वन इज आयोटा, देन प्लस आयोटा रेश टू n+2 पावर, देन प्लस आयोटा रेश टू n+3 पावर, इसका वैल्यू फाइंड करना है, और आपको बोला गया है कि n एक नेचुरल नंबर है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो क्या करेंगे,
तो इसका वैल्यू हो जाएगा जीरो। क्यों? बिकॉज अभी जस्ट हमने नॉट लिखा था कि अगर आयोटा के पावर में आपको फोर कंजुगेटिव नंबर दिए जाते हैं तो फिर उनका समेशन जीरो होगा। ये एन है, नेक्स्ट नंबर एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री, तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगा। और अगर आपको वो याद नहीं रहता तो फिर आप कुछ ऐसे भी कर सकते हैं कि आयोटा रेस टू एन हमने कॉमन निकाल दिया, तो फर्स्ट में बच गया वन, नेक्स्ट में आयोटा, देन आयोटा स्क्वेयर एंड देन आयोटा क्यूब। सो वी कैन राइट आयोटा रेस टू एन वन प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वेयर होता है माइनस वन, आयोटा क्यूब ये होता है माइनस आयोटा। तो यहाँ से मिल गया हमें आयोटा रेस टू एन इंटू ब्रैकेट का वैल्यू जीरो, तो ये हो गया जीरो। ओके, अब और लिखते हैं। मान लो कि दिया है हमें आयोटा रेस टू फाइव पावर प्लस आयोटा रेस टू सिक्स पावर प्लस आयोटा रेस टू सेवन पावर प्लस आयोटा रेस टू एट पावर, ऐसे आयोटा रेस टू 23 तक दिया है। ओके, और आपको पूछा है कि इसका वैल्यू फाइंड करो। तो अभी जस्ट हमने ये बोला कि आयोटा के पावर में अगर फोर कंजुगेटिव नंबर्स है और उनका समेशन है तो उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 5, 6, 7, 8 से लेके 23 तक दिया है, तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, फोर फोर का ग्रुप बना लेंगे हम। ओके, तो फोर फोर का ग्रुप बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, ये आयोटा रेस टू फाइव है, आयोटा रेस टू सिक्स, देन आयोटा रेस टू सेवन, आयोटा रेस टू एट, ये एक ग्रुप हो गया। अगर दिस वन इज फर्स्ट, चार टर्म का एक ग्रुप बनाया। नेक्स्ट आएगा आयोटा रेस टू नाइन, देन आयोटा रेस टू टेन, देन आयोटा रेस टू इलेवन, देन और नॉट दिस वन इज आयोटा 11, यहाँ पर हो जाएगा आयोटा रेस टू 12, ये हमारा दूसरा ग्रुप बना। ऐसे हम ग्रुप बनाते जाएंगे, जितने भी चार चार के ग्रुप बनते हैं वो सब बनाएंगे। तो जो हम जानते हैं कि चार चार का ग्रुप बनाएंगे, जैसे यहाँ पर 5 से स्टार्ट किया है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, नेक्स्ट अगर हम बनाएंगे तो 13, 14, 15, 16, देन 17, 18, 19, 20, ये ग्रुप बनेंगे। एक और ग्रुप बनेगा यहाँ पर, फिर एक और ग्रुप बनेगा चार का, और फिर हमारे पास तीन टर्म बचेंगे। एक होगा आयोटा इनका 21 पावर, जो टर्म चार का ग्रुप नहीं बन सकते वो लिख देते हैं आयोटा रेस टू 22 एंड आयोटा रेस टू 23, ये तीन टर्म बचेंगे जिसमें चार का ग्रुप नहीं बना सकते क्योंकि ये तीन ही टर्म है। तो बाकी के ये जो चार चार के ग्रुप है इनका वैल्यू तो जीरो हो जाएगा। तो जीरो प्लस जीरो, देन प्लस अगेन जीरो, ओके, देन प्लस अगेन जीरो। अब आयोटा रेस टू 21 पे आए हैं हम, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे फोर से तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, वन। तो ये एक्चुअली क्या है, आयोटा है। आयोटा रेस टू 22, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे फोर से तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, टू, तो आयोटा स्क्वायर। आयोटा रेस टू 23, इसको अगर हम फोर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर थ्री मिलेगा, तो मीन्स ये है आयोटा क्यूब। तो इसका वैल्यू हो गया आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है माइनस वन, आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस आयोटा, तो वैल्यू मिल चुका है माइनस वन। तो यहाँ पर हमें कंजुगेटिव नंबर दिए थे, हमने क्या किया, चार चार का ग्रुप बनाया, और फिर जो बाकी के टर्म बच गए थे उनको देख लिया कि ये कौन से फॉर्म में है, 4k+1, 4k या 4k+2, कौन से फॉर्म में है, उसके हिसाब से इनको फाइंड कर लिया। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलो मान लो कि आपको क्वेश्चन दिया है आयोटा रेस टू 1 फैक्टोरियल प्लस आयोटा रेस टू 2 फैक्टोरियल प्लस आयोटा रेस टू 3 फैक्टोरियल प्लस आयोटा रेस टू 4 फैक्टोरियल प्लस ऐसे आयोटा रेस टू
फैक्टोरियल तक, ये लिख दिया आपने। ओके, अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? तो अगर हम एन फैक्टोरियल बोलते हैं तो एन फैक्टोरियल का मतलब है मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ओके, इसका मतलब वन फैक्टोरियल है तो वन होगा, टू फैक्टोरियल तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट टू नेचुरल नंबर वन एंड टू, तो ये टू। थ्री फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल होगा वन इंटू टू इंटू थ्री, मतलब के सिक्स। देन फोर फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल होगा वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर, 24। फाइव फैक्टोरियल, वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव, ये हो जाएगा 120। एंड ये प्रोसेस अब चलता रहेगा। अब यहां पर फोर फैक्टोरियल, फाइव फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल के बाद में जो भी नंबर आएंगे उसमें डेफिनेटली एक बार फोर आएगा, तो ये जो भी वैल्यू आएगी वो सब क्या होगी, फोर के मल्टीपल होंगे। फोर फैक्टोरियल ये भी फोर का मल्टीपल है, फाइव फैक्टोरियल इसमें भी फोर आया ये भी फोर का मल्टीपल है, तो आयोटा रेस टू फोर फैक्टोरियल, ये जो फोर फैक्टोरियल के बाद जितने भी नंबर है वो सभी फोर के मल्टीपल है। तो अगर वो फोर के मल्टीपल है तो वो सबका तो वैल्यू कितना हो जाएगा, वन। बराबर, आयोटा के पावर में अगर फोर के टाइप का नंबर है, आयोटा के पावर में फोर का मल्टीपल है, तो इसका वैल्यू तो वन हो जाएगा, तो इनका वैल्यू वन हो जाएगा। नेक्स्ट फाइव फैक्टोरियल, इनका भी वैल्यू वन हो जाएगा, प्लस आयोटा रेस टू टेन फैक्टोरियल, इनका भी वैल्यू वन ही हो जाएगा। तो ये सभी टर्म तो हो गए हैं वन। अब ये वन 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 कितनी टाइम आया है, तो हमने लिखा है वन फैक्टोरियल से लेके टेन फैक्टोरियल तक, और ये आगे के तीन टर्म हमने छोड़ दिए, तो ये जो है वो सेवन टाइम्स है, वन 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 सेवन टाइम्स है। आयोटा रेस टू वन फैक्टोरियल, ये तो हो गया आयोटा। आयोटा रेस टू टू फैक्टोरियल, ये हो गया आयोटा स्क्वायर। आयोटा रेस टू थ्री फैक्टोरियल, ये हो गया आयोटा का सिक्स पावर। अब ये जो आगे के तीन है इनको लिख देते हैं, आयोटा, आयोटा का स्क्वायर कितना होगा, माइनस वन। आयोटा रेस टू सिक्स, तो आयोटा रेस टू सिक्स है, इनको अगर आप फोर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर टू बचेगा, तो इसका भी वैल्यू कितना होगा, माइनस वन। बराबर, इनका भी वैल्यू माइनस वन होगा, एंड प्लस ये हो गया सेवन, वन 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 सेवन टाइम्स का, तो ये सेवन हो गया। तो इसका सिंप्लीफिकेशन, सेवन माइनस टू, सेवन माइनस टू मतलब फाइव, तो वैल्यू हो गया फाइव प्लस आयोटा। ओके, ये हमने आयोटा के पावर में फैक्टोरियल लिखा। और एक ही चीज का अभी तक हम यूज कर रहे हैं कि आयोटा के पावर में अगर 4k या 4k प्लस 1, 4k प्लस 2, 4k प्लस 3 टाइप के नंबर आते हैं तो फिर उसका वैल्यू क्या होता है। एंड सेकेंड थिंग, हमने ये देखा कि आयोटा के पावर में अगर कंजुगेटिव नंबर है, 4 कंजुगेटिव नंबर, फिर वो नंबर कोई भी ले सकते हैं आप, 20, 21, 22, 23 आयोटा के पावर में लिख दिया आपने और फिर उनका सम कर दिया, मीन्स आयोटा रेस टू 20 प्लस आयोटा रेस टू 21 प्लस आयोटा रेस टू 22 प्लस आयोटा रेस टू 23 कर लिया, तो वो जीरो दे देगा। तो ये जो था उसका यूज करके अभी तो हमने सम किए। ओके,